एक पुरानी कहावत है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, बशर्ते ये कि समस्या से जुड़े हुए सारे पक्ष समाधान पाने के लिए भी आतुर हों। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी समस्या और उसका समाधान भी दोनों साथ साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं हमारे मन पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि हम समस्या के समाधान के बारे में विचार ही नहीं कर पाते हैं और दीनहीन अवस्था में पहुंचकर हम उसकी ओर देखना शुरू कर देते हैं जिसकी ओर देखना शायद हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होता है। यानी ये कि अगर आप किसी समस्या से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा शांत बैठकर उसके बारे में विचार करें, समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। फ्रेंड्स, आज 9 जून, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 नए कोर्सेज शुरू हुए हैं और इनमें जो है आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं 5 जुलाई 2019 तक। आपको डायरेक्टली जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक फाइल तैयार करनी है और एडमिशन डिपार्टमेंट से जाकर संपर्क करना है। तो ये विषय कौन कौन से हैं, देखिए, एमए मैथमेटिक्स फॉर बीए पास कैंडिडेट अगर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। दूसरी आया है यहाँ पर बीसीए में जो लोग 12 पास हैं, बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और जियोलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, यानी कि बीएससी के सभी स्ट्रीम में यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो है रास्ते खुले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी हलचल के बारे में। विवेचक के सवालों पर मौन साधे रही अंजू। यूपीपीएससी की निलंबित परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वो कोर्ट में ही अपना पक्ष रखेंगी। सीओ पिंड्रा के अनुसार निलंबित परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि वह कोर्ट के सामने ही अपना पक्ष रखेंगी। 6 जून को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विवेचक ने अंजू से जेल में पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। करीब एक दर्जन सवालों के साथ विवेचक पूछताछ के लिए जेल पहुंचे, लेकिन अंजू ने जवाब देने से मना कर दिया है। इधर 30 मई को प्रयागराज से अंजू को गिरफ्तार किया गया था। उधर एसआईटी ने कई बिंदुओं पर यूपीपीएससी अध्यक्ष से भी जानकारी मांगी थी। जवाब लेने के लिए चोलापुर थाने का एक दरोगा कई दिनों तक प्रयागराज में रुका, लेकिन कोई भी जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। सीओ पिंड्रा का कहना है कि सोमवार तक जवाब मिलने की उम्मीद है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने आयोग की सभी परीक्षाएं निरस्त कराने की मांग की है और इसको लेकर शनिवार को रसूलाबाद में प्रदर्शन भी किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि यूपीपीएससी में कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होने तक संयुक्त सचिव ब्रजेंद्र द्विवेदी को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक की मौजूदगी में सोमवार को आयोग की बैठक संभावित है, जिसमें परीक्षाओं को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में परीक्षा नियंत्रक रही अंजू कटियार की गिरफ्तारी और निलंबन के बाद आयोग में परीक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समेत तमाम पुरानी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी फंस गए हैं। तो अब नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है, एक कार्यवाहक है, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जो नया जो पैटर्न होगा वो भी जारी किया जाएगा, लेकिन सब कुछ संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब तक शासन प्रशासन आयोग एसआईटी वगैरह की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों ने शनिवार को युवा मंच के बैनर तले रसूलाबाद में प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पिछले दिनों हुई सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएं, और छात्रों ने यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। एलटी ग्रेड का सत्यापन जो 11 जून से शुरू होने जा रहा है, तो उस पर अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज ये कहा जा रहा है कि सत्यापन पर कल तक साफ हो जाएगी स्थिति। उहापो में एलटी ग्रेड भर्ती अभ्यर्थी और सत्यापन कराने के लिए 10 को देंगे धरना। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग सत्यापन कराने के लिए तैयार हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक की तैनाती हो चुकी है। तो अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर देखिए
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा जरूर, आगे जो कुछ भी होगा उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, लेकिन जो अपना कार्य है उसे आप लोग करते रहिए, क्योंकि आगे चल के मामला किस कदर जाएगा कोई भी कुछ कह नहीं सकता है। एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया पर भी संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सत्यापन प्रक्रिया 11 जून से कराने का सत्यापन कार्यक्रम जारी किया था और 10 जून तक इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सत्यापन होगा या नहीं होगा, क्योंकि उधर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं जो निरस्त कर दी जाएं और बहुत सारी परीक्षाएं जो होनी थी वो भी कैंसिल की जा चुकी है, जैसे कि पीसीएस मेंस की जो परीक्षा थी, और आयोग ने अभी किसी भी मामले पर कोई भी सटीक निर्णय नहीं लिया है। एक्चुअली में आयोग और प्रशासन दोनों ही इस स्थिति में हैं कि कोई भी निर्णय कहां तक अप्लीकेबल होगा ये कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा समर्थक मोर्चा के संयोजक शेर सिंह का कहना है कि परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया 11 जून से शुरू कराई जाए और आयोग बाकी विषयों का परिणाम भी जल्द घोषित करे। अलग अलग तरह की मांगे हो रही हैं और अलग अलग तरीके के लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसे में क्या सामने आएगा निकल कर कुछ भी कहना मुश्किल है। सपा भाजपा शासन में नहीं सुधरा पीसीएस, दो वर्ष की परीक्षा का रिजल्ट या अंक देखे बिना दिया अगला इम्तहान, तो यहाँ पर सब कुछ जो है बिल्कुल अस्पष्ट स्थिति में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने पिछली परीक्षा का बिना रिजल्ट देखे ही अगला इम्तहान दिया है और वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षा के समय 2012 मेंस के अंक और 2013 का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ था। 2015 की मुख्य परीक्षा के समय 2013 मतलब ये था कि एक एग्जाम हो जाता है उसका रिजल्ट आंसर की मार्कशीट वगैरह जारी नहीं होती है, उससे पहले अगली परीक्षा करवा ली जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में लगातार परीक्षा दर परीक्षा शामिल होते चले जाते हैं। मिला जुलाकर अस्पष्टता की कमी है, पारदर्शिता की कमी है, और अगर आपको बता दें तो इसी माह 17 जून से पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा जो प्रस्तावित थी लेकिन 2017 मेंस का परिणाम जारी नहीं हो सका था। यूपीपीएससी के सचिव जगदीश रिजल्ट में देरी करने को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका कहना है कि इधर रिजल्ट देने की रफ्तार पहले से बेहतर हुई है, स्टाफ कम होने से समय पर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं और अगले कुछ ही दिनों में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं। इधर देखिए एक बड़ी खबर ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 पारचाली मामले में परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलनरत लोक सेवा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार एक दिन आगे बढ़ा दिया है। एलटी ग्रेड भर्ती घोटाले की जांच हाई कोर्ट के जज से कराने और जांच सीबीआई को सौंपने, आयोग के प्रत्येक कर्मचारी की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। संघ ने मांगे पूरी न होने पर 10 जून से कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी, उसे अब एक दिन आगे बढ़ाते हुए 11 जून से कामकाज ठप करने का निर्णय हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही असंतोषजनक हैं और कुछ भी जो परिस्थितियां सामने हैं उस पर कुछ भी कहना जो है नामुमकिन सा प्रतीत होता है। इधर संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडे का कहना है कि शनिवार और रविवार को अवकाश है तो इसके बाद अब 11 जून से वो लोग करेंगे बहिष्कार। और फिलहाल आज कैंडल मार्च के बारे में भी बात हो रही है, एलटी ग्रेड भर्ती का पेपर लीक होने के विरोध में छात्र रविवार को शाम कैंडल मार्च निकालेंगे। तो हर पक्ष अपने अपने तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है और सफाई चाहता है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें आरओ 2016 में नहीं मिला पेपर लीक, मतलब ये था कि देखिए यहाँ पर दो तरह की स्थितियां सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आयोग की मिली भगत से कार्य हुआ तो आयोग तो इसे स्वीकार करेगा नहीं। तो यहाँ पर ये सारा जो मामला है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो कंडीशन बन रही है उससे तो लगभग हर परीक्षा पर सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो 2016 में जांच एजेंसी को पेपर लीक नहीं मिला है और 3 वर्ष सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है जांच करने के बाद, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर पेपर लीक मामले में बवाल के दौरान यूपीपीएससी को यह अहम हथियार मिला है। कहा जा रहा है कि आयोग को बदनाम करने वालों और शिकायतकर्ताओं पर यह कार्रवाई हो। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी न्यूज निकल के सामने आती है
वो या तो वो लोग न्यूज निकालते हैं जो लोग आयोग के खिलाफ कोर्ट में रहते हैं, जैसा कि आरओ एआरओ परीक्षा में भी मामला कोर्ट में ही था, सॉरी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो सबके जो है जो साक्ष्य होते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए इस निष्पक्ष एजेंसी से। आरओ एआरओ 2016 के 361 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 27 नवंबर 2016 को हुई थी और इन जिलों के 827 केंद्रों पर 385,191 में से 203,261 यानी कि 52% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और प्रतियोगियों ने लखनऊ के एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर व्हाट्सएप पर वारंट होने के आरोप लगाए थे। वहीं आयोग के अफसरों ने परीक्षा से पूर्व पेपर वायरल होने से इनकार किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बात और भी है कि एक प्रतियोगी ने साक्ष्य प्राप्त कराया था, उसके आधार पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। देखिए रिपोर्ट हुई थी लेकिन मुकदमा नहीं हुआ था। अमिताभ ठाकुर की अपील पर न्यायालय के आदेश पर हजरतगंज थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये सारी चीजें हैं और सीबीसीआईडी को जांच जो थी वो सौंपी गई थी और अब जो है रिजल्ट जल्द आने के संकेत भी मिल रहे हैं। सीबीसीआईडी ने 3 साल बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी है कि आरओ एआरओ में पेपर लीक नहीं हुआ था। यूपीपीएससी की घेराबंदी और जांच होने में फंसा था रिजल्ट। फिलहाल यूपीपीएससी के सचिव जगदीश ने बताया कि सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। परीक्षा नियंत्रक की तैनाती के बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने की उम्मीद है। वहीं आयोग इस बात से आहत दिखा कि 3 वर्ष तक उसे निरंतर बदनाम किया गया। तो ठीक है, यहाँ पर हर पक्ष को अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी होनी चाहिए लेकिन एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस निष्पक्ष जांच के द्वारा जो है आयोग की जो पुरानी गरिमा है वो बहाल होनी चाहिए। एक्चुअली में अविश्वास जो होता है ये सभी के लिए घातक होता है। तो अविश्वास की जो ये स्थिति बन रही है किन कारणों से बन रही है वो स्थितियां भी स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षा नियंत्रक की तैनाती के बाद नया कैलेंडर जारी होगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अंजू कटियार की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी के बाद यूपीपीएससी कटघरे में है। आरोपित अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है। आयोग ने पहले पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी, यानी कि इस वर्ष अब यूपीपीएससी कोई भी परीक्षा नहीं कराने वाला है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने शुक्रवार को यूपीपीएससी के सचिव जगदीश को बुलाकर हालात का जायजा लिया और कई निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से सचिव से कहा गया है कि जल्द ही आयोग में परीक्षा नियंत्रक की तैनाती हो जाएगी और उसके बाद एक कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी वो नए तरीके से संपन्न कराई जाएंगी नए टाइम टेबल पर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर निगाहें आयोग पर, निशाने पर सरकार, तो जो कुछ भी है मतलब ये सारा जो मैटर है वो विवाद से जुड़ा हुआ है। इस पर बहुत अधिक वक्त तक मैं इस सेशन में बोल चुका हूँ तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से चल रहे डीएलएड तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में हनुमान इंटर कॉलेज लाहौरपुर हनुमानगंज में सामूहिक नकल पकड़े जाने पर शनिवार की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि डीएलएड तीसरे सेमेस्टर में विज्ञान की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर नियुक्त पर्यवेक्षकों नीलम चतुर्वेदी और विनय पांडे ने सामूहिक नकल की रिपोर्ट डायट के प्रचार को दे दी है। मतलब ऐसी जो खबरें हैं वो कई सारे जो है परीक्षा केंद्रों से मिल रही हैं। गाजीपुर से भी ऐसी खबर निकल के आ रही है और आप देख सकते हैं कि कक्ष निरीक्षक भी गिरफ्तार हुए हैं इसमें। तो ये सारी चीजें हैं यानी कि सुचिता जो है परीक्षाओं में वो बरकरार नहीं हो पा रही है, नहीं रह पा रही है। और इधर एसएससी ने नहीं माना है पर्चा लीक, फिर भी हो रही है कार्रवाई। मतलब ये कि कर्तव्य चयन आयोग सीजीएल टीएट 2017 की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में एक और जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, वहीं आयोग पेपर आउट होने की घटना को नकार रहा है। सीबीआई जांच के बीच एसएससी ने सीजीएल टीएट 2 और TA 3 का परिणाम भी घोषित कर दिया था। फिलहाल मामले में ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी सिफी के कर्मचारी फंसे हुए हैं और परीक्षा जो थी वो 2 फरवरी 2018 में हुई सीजीएल टीएट 2 परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षार्थियों ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया था। तो इसके बाद जो कुछ भी स्थिति आपके सामने आई थी वो तो आप जान ही रहे हैं और इस पूरे मैटर में एसएससी नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ था। रेल भर्ती बोर्ड की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। केंद्रीकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 1/2018
18 सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन पद दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय जांच के लिए सांकेतिक सूचना। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 1/2018 के अंतर्गत सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का परिणाम रेल भर्ती बोर्ड पटना के सूचना पट वेबसाइट पर दिनांक 6 जून, ये तारीख यहाँ पर गलत लिखी गई है, यहाँ पे बताया गया है कि 6 जून को जो है प्रकाशित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 16 जून से लेकर 11 जुलाई तक निर्धारित किया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि को डीवी में उपस्थित नहीं होते हैं वे अनुपस्थिति के वैध कारण दस्तावेज के साथ अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित दस्तावेज सत्यापन दिनांक 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई में उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि दो मौके आपको दिए जाएंगे। रोल नंबर अनुसार दस्तावेज सत्यापन की तिथि और समय का विवरण रेल भर्ती बोर्ड पटना के आधिकारिक वेबसाइट rrbpatna.gov.in पर उपलब्ध है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हैं तो इस नोटिफिकेशन को भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। और फ्रेंड्स एक अच्छी खबर है उनके लिए जो लोग 10वीं पास हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 74 कुल पदों के लिए जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 18 से 27 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा रखी गई है। महिला SC ST PWD कैंडिडेट ESM के लिए निःशुल्क होगा और अन्य के लिए 100 रुपये की फीस होगी। तो आपको करना क्या है कि bar.gov.in पर जाना है आपको और ऑनलाइन आवेदन आपको करना है और उसके बाद आवेदन पत्र की फोटोकॉपी को अपने पास सुरक्षित रखना है। 1 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। और बीएड काउंसलिंग में पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो गई है। अभी आधी से ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। इस काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के कॉलेज निर्धारण की प्रक्रिया 18 जून तक जो होगी वो पूरी होगी। 3 दिन बाद उन्हें पूरी फीस जमा करके एडमिशन लेना होगा। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के बाद पहले चरण की काउंसलिंग 6 जून को शुरू हुई थी। इसमें 8 जून तक 2.12 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका दिया गया था। प्रदेश भर के 2,474 बीएड कॉलेजों में 2,14,775 सीटें उपलब्ध हैं। पहले चरण की काउंसलिंग में 95,000 अभ्यर्थियों ने ही पंजीकरण कराया है। परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर बी.आर. कुकरेती ने बताया कि अब 3 दिन काउंसलिंग और पंजीकरण फीस का स्टेटस चेक करके 2-3 दिन रिकाउंसलिंग की जाएगी ताकि ऐसे छात्र काउंसलिंग से ना छूटें जिन्होंने फीस तो जमा कर दी लेकिन तकनीकी खामी की वजह से बैंक तक नहीं पहुंचे हैं। तो यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जून को इन छात्र छात्राओं को कॉलेज आवंटित किया जाएगा और उसके बाद उन्हें 3 दिन में पूरी फीस जमा करके एडमिशन लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये है आज की मुख्य खबरें जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में छाई हुई हैं। सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन से जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। जो लोग लोअर पीसीएस और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट अब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बार जो परीक्षाएं हो रही हैं जूनियर असिस्टेंट और मंडी परिषद की जो परीक्षा जो UPSC ने कराई है तो उसमें जो हिंदी और सामान्य ज्ञान के साथ साथ रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बहुत ही विशेष प्रकार की है। कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं कि उनको पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है। तो इसी बेस पर मैं सबसे पहले तो मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर को पूरी व्याख्या के साथ हल करवा रहा हूँ, यानी कि एक एक जो पॉइंट है उसमें हर पॉइंट की व्याख्या दे रहा हूँ। जो लोग लोअर पीसीएस परीक्षा को देना चाहते हैं उन्हें इन वीडियोज को देखना जरूर चाहिए ताकि वो समझ सकें कि लोअर पीसीएस की परीक्षा जो कि UPSC ही आयोजित करवाएगा उन्हें किस प्रकार के प्रश्नों से रूबरू होना है। तो यह आपके लिए एक शानदार अनुभव रहेगा और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए औरों से बेहतर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।